वीडियोस, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अतिक्रमणकारियों पर टूटा कहर, 54 अतिक्रमण हटाए गए। शासन प्रशासन की पोल खोलने वाले पुरी के गणेश जी की मूर्ति जब्त। वैक्सीन लगवाने से 23 शिक्षकों का इनकार। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार को दोपहर लक्ष्मी नगर जोन अंतर्गत इलाकों में अतिक्रमणकारियों पर उस समय कहर टूट पड़ा जब प्रवर्तन विभाग के दस्ते ने जोनल कार्यालय के सामने ही कार्यवाही शुरू कर कड़े रुख का संकेत दे दिया। कई इलाकों में चौपाटी की तरह खोमचे वालों, चाइनीज के ठेले वालों, द्वार फुटपाथों को घेर कर रखे जाने तथा अतिक्रमण किए जाने की भनक दस्ते को लगी थी। दस्ते ने दलबल के साथ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया। जैसे ही दस्ता श्रद्धानंद पेट से गोपाल नगर की ओर बढ़ा, परिसर में अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। दस्ता कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ता गया। गोपाल नगर से स्वलंबी नगर होते हुए त्रिमूर्ति नगर, प्रताप नगर से वर्धा रोड तक कार्रवाई की गई। दूसरी खबर, सरकार और प्रशासन की पोल खोलने वाली पुरी के गणेश जी एक बार फिर पुलिस उठा कर ले गई है। चंद्रशेखर आजाद बहुउद्देशीय संस्था द्वारा गुरुवार की सुबह 8:30 बजे गणेश स्थापना की गई। गणेश स्थापना की भनक लगते ही पाचपौली थाने के दो पुलिसकर्मी पाचपौली उड़ान पुल के नीचे स्थापना स्थल पर पहुंचे। इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को दी गई थी। साथ ही स्थापना करने वाले चंद्रशेखर पुरी को थाने ले जाया गया। वहीं गणेश जी की मूर्ति को भी गाड़ी में रख कर थाने ले जाया गया। तीसरी खबर, राज्य सरकार ने स्कूल खुलने से पहले शिक्षकों का कोविड वैक्सीन कराने का फरमान जारी किया है। बगैर वैक्सीनेशन शिक्षक स्कूल में उपस्थित नहीं रह सकते हैं। जिला परिषद के 23 शिक्षकों ने विविध बीमारियों का हवाला देकर वैक्सीन लगवाने से इनकार किया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग पशोपेश में है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के 8वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल खोल दिए हैं। 5वीं से 7वीं के स्कूल खोलने पर विचार चल रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लिंक्डइन, हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।